का मौसम स्टार्ट हो गया है, शादी और पार्टियों के ढोल ताशे बाजे बजना शुरू हो गए हैं और डीजे की आवाज़ें आने लगी है। तो दोस्तों, आप क्या रेडी हैं शादियों पार्टियों में जाने के लिए? रेडी हैं? अगर रेडी हैं तो आप पहनेंगे क्या? और होलसेल भाइयों, आप इस टाइम बेच क्या रहे हैं और बेचेंगे क्या? समय के साथ बदलिए। आज शादी पार्टियों का जो माहौल चल रहा है, इसमें रंग बिरंगे कपड़ों के साथ जो भी जीन्स के पैटर्न हैं, लगभग लगभग सब ना बोल रहे हैं। तो चाहिए क्या, खरीदे क्या? आप होलसेलर हैं तो आप बेचेंगे क्या? चॉइस क्या है कस्टमर की? तो दोस्तों, डस्टी डस्टी देखिए, 6 से 7 कलर, 10 कलर, 12 कलर में डस्टी आ रहा है। और इसमें जो कपड़े आ रहे हैं वो 3 से 4 कपड़े आ रहे हैं। डस्टी डॉबी में आ रहा है, डस्टी सिल्की में आ रहा है, डस्टी कॉटन में आ रहा है, और एक डस्टी आ रहा है कॉटन और पॉलिएस्टर मिक्स। तो दोस्तों, अच्छा कौन सा है? दोस्तों, ये जो दो पीस है, दोनों अलग अलग क्वालिटी की है। ये थोड़ा अच्छी क्वालिटी की डस्टी है और ये थोड़ा मीडियम क्वालिटी की डस्टी है। दोस्तों, देखने जाएंगे तो व्यू देखेंगे तो लगभग दोनों का व्यू ऊपर से जो डॉबी का है वो सेम है। तो आप ऊपर से तो अंदाज़ा लगा ही नहीं सकते कि अच्छी डॉबी कौन सी है तो और थोड़ा मीडियम वाली डॉबी कौन सी है, क्योंकि मार्केट में जब आप जा रहे हैं दोस्तों तो रेट का काफ़ी डिफरेंट आ रहा है। अगर ये 400 रुपये में आ रही है तो ये 370 में आ रही है, जो 20-30 रुपये का डिफरेंट है। वो डॉबी कैसे आप पहचानेंगे? क्योंकि देखिए, अगर लुक देखा जाए तो मान लो अगर एक ही ब्रांड का है, थिंडल का ये भी है और थिंडल का ये भी है, होलसेलर से आप डस्टी दे ले रहे हैं तो आप कैसे पहचानेंगे कि आपको ये डॉबी अच्छा दे रहा है या ये डॉबी अच्छा दे रहा है? आपको कौन सा डॉबी दे रहा है, अच्छी वाली या थोड़ा मीडियम रेंज वाली, कैसे पहचानेंगे? इसकी पहचान दोस्तों बहुत ही सिंपल तरीके से बता रहा हूँ आपको। अगर ऊपर का व्यू देखें तो इसमें का जो लाइनिंग है और इसमें का जो लाइनिंग है सेम है दोस्तों। चमक में भी देखा जाए तो ऊपर से लगभग सेम है, लेकिन जब अंदर से हम देखेंगे, अंदर का व्यू इसको देखेंगे तो दोस्तों अंदर का व्यू देखिए, इसमें का जो पैटर्निंग है, जो धागे का देख रहे हैं, जो धागे का डिजाइन है, जो पैटर्निंग है, इसमें का कैसा है? और दोस्तों इसमें का देखेंगे, इसमें कैसा है? इसमें के जो हाईवी थोड़ा डस्टी है उसमें देखेंगे तो पैटर्निंग इसमें का आराम से नज़र आ रही है। इसमें के जो धागे हैं बहुत खूबसूरत तरह से दिख रहा है, उसका लाइनिंग वगैरह सब कुछ दिख रहा है। और जो मीडियम मीडियम रेट की डस्टी है, जो मीडियम रेट की डस्टी है उसका आप देखेंगे तो उसकी पैटर्निंग इतनी खूबसूरत नहीं दिख रही है, सब इधर और उधर दिख रहा है। लेकिन जो डिजाइन है, जो धागे का लाइनिंग है, वो स्पष्ट रूप से नहीं दिख रहा है, क्योंकि दोस्तों इसमें पॉलिएस्टर मिक्स है। और देखिए, पॉलिएस्टर की वजह से इसमें चमक भी काफ़ी है। जो हैवी डॉबी में देखेंगे तो इसमें थोड़ा डल है, लेकिन इसका जो पैटर्निंग है वो काफ़ी नज़र आ रहा है। ये देखिए, आप नज़दीक से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा, इसका पैटर्निंग पूरा नज़र आ रहा है। और इसमें का देखेंगे तो इसमें का पैटर्निंग कोई खास नज़र नहीं आ रहा है, बहुत करीब देखने से हल्का फुल्का दिख रहा है, लेकिन वो भी ना के बराबर दिख रहा है। तो दोस्तों, आपको समझ में आया होगा कि हाई क्वालिटी और थोड़ा मीडियम क्वालिटी की जो डस्टी है वो कैसे नज़र आती है, ये देखिए। और दोस्तों, लाइक्रा की बात करेंगे तो लाइक्रा इसका अच्छा है, बढ़िया लाइक्रा है। और हाईवी क्वालिटी वाले का जींस का देखेंगे तो इसका भी लगभग लगभग सिमिलर है, कोई फ़र्क लगभग लाइक्रा में भी कोई लगभग फ़र्क नहीं है। ये थोड़ा हाई क्वालिटी की डस्टी में और थोड़ा मीडियम क्वालिटी की डस्टी में लाइक्रा में लगभग ज़्यादा डिफरेंट नहीं है। तो दोस्तों, आप इसको अगर पहचानेंगे तो खाली बैक साइड से आप इसको पहचान पाएंगे, बाकी ऐसा आपको नज़र आने वाली चीज़ नहीं है। है कॉटन और पॉलिएस्टर मिक्स वाला, क्योंकि इसमें थोड़ा डलने से थोड़ा चमक है। तो दोस्तों नमस्कार,
चैनल पर दोस्तों नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और जो मेरे सब्सक्राइबर हैं आपका बहुत बहुत थैंक यू। तो दोस्तों आज जो लेके आया हूँ इस वीडियो में, वो आपको डस्टी का चार्ट लेके आया हूँ। डस्टी इस टाइम का चलने वाला सबसे अच्छा जीन्स लेग वियर है। तो दोस्तों डस्टी का जो चार्ट है ये देखिए, 6 कलर बेहतरीन इंग्लिश कलर के चार्ट हैं, और 80% कॉटन और 20% पॉलिएस्टर है। दोस्तों इसका जो बैक का कलर है वो ब्लैक कलर है। अगर आप जीन्स पहन रहे हैं तो नीचे से इसको बॉटम की तरह फोल्ड करके पहनेंगे तो इसके लुक में चार चांद लग जाएगा। होलसेल भाइयों से अपील है कि ज़्यादा से ज़्यादा इस टाइम अपनी दुकानों पे डस्टी और वाइट रखें, क्योंकि इस टाइम जो क्रेज़ है वो डस्टी और वाइट का है। डस्टी में 8 से 10 कलर हैं, ये 6 कलर में लेके आया हूँ आपके लिए बेहतरीन, और रेट के साथ, अच्छे रेट के साथ जब आप अपनी दुकानों पे इसको रखेंगे तो 100% ये हाथों हाथ बिकने वाला आइटम है। और अपने पहनने वालों भाइयों के लिए ये संदेश देना चाहता हूँ कि डस्टी अगर आप नहीं पहने तो कुछ नहीं पहने, क्योंकि डस्टी का जो सबसे बड़ी खासियत है दोस्तों, डस्टी में कलर फेड नहीं होता है, ये ओरिजिनल कलर होते हैं, ओरिजिनल यांस होते हैं, तो इसका जो कलर उतरने का कोई चांस नहीं है। अगर एक आप अच्छा जीन्स ऑप्शन ढूंढ रहे हैं कि जिसका कलर ना जाए, तो डस्टी एक सबसे अच्छी चॉइस है आज के टाइम में। इसमें कलर की बात करें, इसमें ब्लैक है, ग्रे है, लाइट ब्लू है, डार्क ब्लू है, लाइट स्काई है, डार्क स्काई है, देखा जाए तो लगभग हर कलर में है, और हर कलर का 100% गारंटी है, कुछ भी थोड़ा भी कलर फेड नहीं होता है। दोस्तों इसको आप पहनेंगे कैसा? पहनने के लिए आपको इसका जो शर्ट का कलर है उसके आप अपोजिट ले सकते हैं, मैचिंग ले सकते हैं, क्योंकि डस्टी आज जितने कलर के आप शर्ट और टी शर्ट पहनते हैं, डस्टी जीन्स उतने कलरों में उपलब्ध है। इसके लिए दोस्तों सजेस्ट करता हूँ कि अगर शादी पार्टियों में आप आ रहे हैं तो के पैरों में जो होना चाहिए वो इस टाइम कॉटन डस्टी होना चाहिए, और थोड़ा पॉलिएस्टर मिक्स वाला डस्टी होना चाहिए, क्योंकि यही आपको बेहतरीन लुक देने वाला है। काफ़ी टाइम से दोस्तों वीडियो मेरी नहीं आ रही है, क्योंकि जो सीजन चल रहा है, त्यौहार चल रहा है, इसके लिए कामों में अधिक व्यस्त होने के बावजूद नहीं बना पाया हूँ। थोड़ा टाइम निकाल के एक शॉर्ट वीडियो आपको डाल रहा हूँ। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो वाइट पे आने वाली है, क्योंकि वाइट माल मेरे पास आ चुका है। आपको जैसा कारखानों से मैंने दिखाया था कि वाइट माल का क्या प्रोसेस है, वाइट माल बन के आ गया है, तो आप वाइट माल का रेट, उसकी क्वालिटी सब आपको बताने वाला हूँ नेक्स्ट वीडियो में। एक कमेंट में कमेंट ज़रूर कीजिए। दोस्तों ये शॉर्ट वीडियो आपको कैसी लगी, चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करके ज़रूर बताइए, और हाँ दोस्तों कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट ज़रूर छोड़िए। दोस्तों मिलता हूँ एक नई वीडियो में। वाइट का माल लेके कौन सा अच्छा माल है, कैसा माल है दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।